मिट्टी धंसने से 7 मजदूर दबे, 1 की मौत। जबलपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर हादसा, 6 मजदूर घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 6 मजदूर घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब फ्लाईओवर के नीचे नाले का निर्माण काम चल रहा था। इस दौरान मिट्टी धंस गई, जिसमें 7 मजदूर दब गए। घटना के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने जेसीबी से मिट्टी हटाई और दबे मजदूरों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक देवेंद्र कुमार नाम के एक मजदूर की मौत हो चुकी थी। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। करीब 1,120 करोड़ रुपए से बन रहे इस फ्लाईओवर का निर्माण एनसीसी कंपनी कर रही है। गड्ढे में 7 मजदूर काम कर रहे थे। मदन महल थाने के सामने फ्लाईओवर का काम चल रहा है। नाला बनाने के लिए ब्रिज के नीचे गड्ढा खोदकर मिट्टी निकाली गई थी। इसके बाद वहां पर सरिया बिछाने का काम भी चल रहा था। इसी दौरान मिट्टी धंस गई और सभी मजदूर उसमें दब गए। झारखंड पन्ना, कटनी और जबलपुर के रहने वाले हैं घायल। घटना की सूचना मिलते ही मदन महल थाना पुलिस समेत सीएसपी रितेश सिंह भी मौके पर पहुंच गए। सीएसपी ने बताया कि घटना के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। यह जांच भी की जा रही है कि कहां पर और किसकी लापरवाही से ये घटना हुई। कांग्रेस का आरोप, निर्माण में हो रही अनियमितता। फ्लाईओवर हादसे को लेकर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि यहाँ पर अनियमितताएं हो रही हैं। इसमें मजदूरों की सुरक्षा का किसी तरह से भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। पूर्व वित्त मंत्री ने मृतक के परिवार को सांत्वना दी है, साथ ही घायलों के भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कंपनी प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।